हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं स्किड मार्क्स। ठीक है, एक प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी टायर मार्क्स के बारे में पढ़ा है कि टायर मार्क कैसे यूजफुल है किसी भी क्राइम सीन में, और कौन कौन से डिफरेंट ऐसे क्राइम सीन्स हैं जहाँ पे हम टायर मार्क या टायर इम्प्रेशन की हेल्प से लीड ले सकते हैं, या टायर मार्क के थ्रू हम कोई भी व्हीकल ट्रेस कर सकते हैं एंड कोई भी व्हीकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा था उस लेक्चर में कि स्किड मार्क के थ्रू हम स्पीड ऑफ व्हीकल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पढ़ा था राइट। तो आज हम उसी स्किड मार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी आर लर्निंग अबाउट दैट स्किड मार्क बाई विच वी कैन एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल, एंड वी हैव लर्न हाउ टायर इम्प्रेशन एंड टायर मार्क्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग एनी क्रिमिनल केस इन ट्रेसिंग द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ दैट टायर मार्क एंड टायर इम्प्रेशन। इट कुड बी ऑफ 3D एंड 2D, राइट। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट स्किड मार्क्स, ओके, हाउ इट इज बींग मेड, ओके। सो स्किड मार्क, सो इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ व्हीकल, ओके, सो लेट्स से द व्हीकल इज ऑल फाइन, इट्स गोइंग, इट्स वर्किंग, एंड सडनली इफ द ब्रेक इज अप्लाइड, if the brake is applied, okay, so if suddenly the brake is applied to the vehicle, the brakes lock the wheels resulting in stoppage of revolving the wheels. So what happens if we will suddenly apply the brake? So if the brake are applied to the vehicle, the brakes will lock the wheels resulting in stoppage of the revolving of wheel. So jaise hi agar kisi person ne brake प्रेस किया, तो ब्रेक प्रेस करते ही वो ब्रेक्स क्या करते हैं, उन चक्कों को या फिर उन व्हील्स को लॉक कर देते हैं, और जैसे ही वो उस व्हील को लॉक करेंगे, जो टायर्स हैं वो रिवॉल्व होना बंद कर देंगे, जो टायर्स हैं वो रिवॉल्व होना बंद कर देते हैं। व्हेन अ सर्टेन व्हीकल ट्रांसवर्स सम डिस्टेंस विद लॉक व्हील्स, इट इज सेड टू बी अ स्किड मार्क, ओके। व्हेन अ सर्टेन व्हीकल, कोई भी व्हीकल जो व्हील्स है वो रिवॉल्व होना बंद हो गई है, बट स्टिल लॉक व्हील्स के साथ ही जो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है वो लॉक व्हील्स, तब वो क्या बनाती है, तब वो बनाती है स्किड। देन वी कैन कॉल इट अ स्किड मार्क, द मार्क क्रिएटेड बाय अ लॉक्ड व्हील, द मार्क क्रिएटेड बाय अ लॉक्ड व्हील विदाउट रिवॉल्विंग, बिकॉज द व्हील इज नॉट रिवॉल्विंग, क्योंकि हमने ब्रेक ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। सो दैट इज नोन एज स्किड मार्क, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्किड मार्क, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्किड मार्क कहते हैं। वो मार्क जो क्रिएट होता है व्हील से, जो कि ऑलरेडी ब्रेक की वजह से लॉक हो चुके हैं, बट फिर भी मोशन में रहने की वजह से वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, वही लॉक्ड व्हील, और उससे जो मार्क बनता है उसे हम कहते हैं स्किड मार्क, ऐसे, ओके। The length of skid mark depends on the velocity. Clearly, जो skid mark की length है वो depend करती है velocity पे। अगर velocity ज़्यादा होगी तो skid mark की length भी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा velocity होगी length skid mark की उतनी ही ज़्यादा होगी, ओके। Vehicle at the time of applying brakes, तो जब हम brake apply कर रहे हैं, जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, उस समय डिपेंड करता है जितनी वेलोसिटी है उस व्हीकल की, वो वेलोसिटी उस व्हीकल के स्किड मार्क की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा लंबा स्किड मार्क बनता है। द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड एंड द टायर वुड again affect the tire, and black tire material gets deposited at the surface over which the vehicle moved creating skid marks. देखो, जब बहुत ज़्यादा अगर velocity है और friction ज़्यादा हुआ है, जैसे ही हमने brake apply किया, बहुत ही extensive friction लगता है, अगर बहुत ही ज़्यादा extensive friction लगता है between the surface of the road, ठीक है, बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड टायर के बीच में, अगर टायर और रोड के सरफेस में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो क्या होता है, जो ब्लैक मटेरियल है टायर का वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है,
क्या हो जाता है, वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है जिसके ऊपर स्किड मार्क बना है। एंड स्किड मार्क में आपको टायर डिपोजिशन भी मिलेगा। ओके, स्किड मार्क में हमें क्या मिलेगा, स्किड मार्क में हमें टायर डिपोजिशन भी टायर डिपोजिशन भी देखो मिलेगा स्किड मार्क के ऊपर। ओके, दीज मार्क्स आर नॉर्मली विजिबल। ठीक है, ये मार्क्स विजिबल होते हैं, बिल्कुल विजिबल होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं ये स्किड मार्क्स। सच मार्क्स क्रिएटेड टू टैरी रोड्स एंड डस्टी रोड्स आर द रिजल्ट ऑफ पुशिंग अवे द टार फ्रॉम द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द ट्रैक। सो क्या होता है, अगर ऐसे मार्क्स बने हुए हैं किसी टैरी रोड में या डस्टी रोड में, ये किसके रिजल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ से डस्ट और टार को प्रेशर ने हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रॉम द ट्रैक, इसीलिए ये प्रोमिनेंट स्किड मार्क्स क्रिएट होते हैं, प्रोमिनेंट स्किड मार्क्स बनते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट स्किड मार्क बनते हैं। दी स्किड मार्क्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये स्किड मार्क्स की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। द मार्क्स आर क्लियर टू स्टार्ट विथ। इफ द मार्क्स आर क्लियर टू स्टार्ट विथ इन अ व्यू ऑफ दैट फैक्ट दैट व्हील्स डू नॉट गेट फुली लॉक्ड एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार्टिंग। द स्किड मार्क्स आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। द स्किड मार्क्स आर रियली वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स। सो जिस समय पे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उस समय पे कितनी वेलोसिटी थी उस व्हीकल की, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किड मार्क। एट टाइम्स एब्सेंस ऑफ स्किड मार्क इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। सो कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी अगर होता है तो वहाँ हमें स्किड मार्क्स देखने को नहीं मिलते। This is an indication that brakes have not been applied. वो क्या indicate करता है, अगर skid marks नहीं है तो ये indicate करता है कि brake apply नहीं किया गया था। Okay? Could not be applied due to brake failure. अगर brake failure हो गया है तो brake failure की वजह से brake apply नहीं किया जा सका। Okay? The other alternatives are that vehicle has been used for making an accident or killing someone. या दूसरा ये दूसरी ये possibility हो सकती है कि उस vehicle को accident करने और उस person को मारने के लिए ही use किया जाना था, इसलिए ही brake नहीं लगाई गई। Okay? So ये दूसरी possibility है। Okay, so this is yet another possibility that driver was dozing and not rolled out. ठीक है, सो ये दो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हमें स्किड मार्क्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो स्किड मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्किड मार्क्स हिट एंड रन के केस में हमें देखने को मिलते हैं, स्किड मार्क्स हमें एक्सीडेंट्स के केस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक्सीडेंट या होने वाला है या हिट एंड रन के केस में, तो जो पर्सन है वो ब्रेक अप्लाई ज़रूर करता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं वो व्हील्स को लॉक कर देते हैं, बट बिकॉज ऑफ मूवमेंट और फ्रिक्शन वो व्हीकल जो है वो थोड़े दूर तक जाता ही है ड्रैग करते हुए रोड पे। तो ये जो ड्रैग करते हुए रोड पे जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट से जो टायर मार्क बनते हैं रोड पे या जो भी सरफेस पे टायर मार्क बनेंगे उसे हम कहते हैं स्किड मार्क। ये जो स्किड मार्क है इट इज क्रिएटेड बाय द लॉक्ड व्हील्स। चलते हुए व्हील से स्किड मार्क्स नहीं बनते, लॉक्ड व्हील से स्किड मार्क्स बनते हैं, क्योंकि जो व्हील्स है वो रिवॉल्व करना बंद कर चुके हैं अभी तक। ओके, और इसे हम कहते हैं स्किड मार्क। स्किड मार्क कुछ ऐसे दिखते हैं, आपको फोटोग्राफ में दिख रही होगी। ठीक है, जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन द टायर एंड बिटवीन द रोड सर्फेस, सो इस जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो जो टायर का ब्लैक सरफेस है वो भी डिपॉजिट हो जाता है रोड पे, तो उसका एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी स्किड मार्क की लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये हमेशा हमें याद रखना है। ओके, एंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे विच इज़ रिलेटेड टू स्किड मार्क। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर और इसके बाद जो भी स्किड मार्क पे लेक्चर होगा उसमें हम फॉर्मूला देखेंगे जिसके थ्रू हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
जिसके थ्रू हम स्किड मार्क से हम उस व्हीकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम फॉर्मूला देखेंगे एंड कैसे कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी की, हम वो देखेंगे। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड येस इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्किड मार्क्स एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ टू यूज दैट स्किड मार्क का वेलोसिटी एस्टिमेट करने वाला फॉर्मूला। ओके, सो येस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, डोंट फॉरगेट अस टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड अगेन द रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप सपोर्ट, हमें आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।